श्रीमद्वाकण बालकांडम द्वांश सर्गः ब्रह्मयाने धृताभ्यां कन्याशतोत्पत्ति वर्णनम् ताभिः सह अहम् वह कामये इत्यादि इत्यादिर्वायो संवादः स्वयंवरकरणे तासा मनोत्सुक्या द्वायोः प्रभावा तासाम कुब्जात्वं स्वसद्मनि पितृ समीपे ब्रह्मयो निर्महानासी कुशो नाम मम महातपाः अक्लिष्ट धर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजकः समहात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान् वैद्यभ्या वैद्यभ्याम जनया मास चतुरस कुशाम्बं कुशनाभं च असूर्तः रजसं वसुं धीर्त्युक्तान् महोत्साहान क्षत्रधर्मचिकेशया तानुवाच कुशपुत्रां धर्मिष्ठां सत्यवादिनः त्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्सि अप्राप्स्यत पुष्कलं क्रियातां पालनं

असुरत रजसो नाम धर्मारण्यम महामति चक्रे राजा वसुनाम येशा वसुमती नाम वसोत्थ महात्म येते शैलवरा पंच प्रकाशन्ते समंततः सुमागधी नदी रम्या घध्रुता मा, यय पंचा नाम शैल मुख्या मध्ये मले शोभते शा हिमाघती रासोस्त महात्म पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्र मालिनी कुशानाभस्तु राजर्षिः कन्या शतमनुत्तमम् जनयामास धर्मात्मा घृताच्छ्यां रघुनन्दन तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यस्वलङ्कृताः उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीवत शत शतेफ्रदा हा गायनचौन रित्यमाना श्वादयन्त्यस्तु राघव आमोधम परमं जगमूर्वराभरण बुषिता हा अतः चारुसर्वांग्यो रूपेना प्रतिमा भूवि उद्ध्यान भूमिमागम्यतारायिव धन गनांतरे सुप्ता सर्वगुण संपन्ना रूप संयुता दृष्ट्वा सर्वात्मको वायु विदं वचनम् अब्रवी अहम् वह कामये सर्वा भार्या मम भविष्यत् मानुषस्त्यज्यतां भावो धीगमायुरवाप्स्यत् चलम् हि यौवनम् नित्यम् मानुषेषु विशेषतः अक्षयम् यौवनम प्राप्त अमर्यश्च भविष्य तस्य तद्वचनम श्रुत्वा वायो रक्लिष्ट कर्मण अपहास्य ततो वाक्यं कन्या शतमप्था भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः मन्यसे कुशाना भसृता देवे देव समस्ता सु, सुरा सत्तम सानांच अस्थानाच वयतुं देवं रक्षामस्तुतपो वयम मा भूत्सकालो धुरमे गपितरं सत्यवादिनं अवमण्य स्वधर्मेण स्वयं वरम पिताहि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं चशह यस्य नोदास्यति पिता सनो भर्ता भविष्यति तासाम तु वचनं श्रुत्वा हरि परम कोपनह प्रविश्य सर्वगात्राणि भवञ्च भगवान प्रभुः अरत्नि मात्र कृतयो भग््नगात्राभयादिताह तः कन्या वायुना भग्ना विविशुर नृपते गृह नृपते गृह प्रवेश सुसंभ्रांता सलज्जा सहस्रलोचना सचता दैता भग्ना कन्या राजा परोभना दृष्टवा दीनास्तारब्रवीत किमीद्यतास्को धर्मते